जय श्री कृष्ण। आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। JWSD और इंडिया स्पीक्स डेली दोनों पर आप सबका स्वागत है। आज रात्रि 9 बजे मैं आपके साथ जन्माष्टमी को लेकर ही चर्चा में रहूंगा और कल रात्रि भी मैं आपके साथ जन्माष्टमी को लेकर चर्चा में रहूंगा। 2 दिनों की जन्माष्टमी है, हम लोग कल मना रहे हैं, कुछ लोग आज मना रहे हैं, तो दोनों ही दिन श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन आपके इस दोनों चैनल पर चलेगा। आज मैं आपके सामने एक गूढ़ जो रहस्य जिस पर सोशल मीडिया में बार बार उबाल आ जाता है और सोशल मीडिया पर चलने लगता है और नई पीढ़ी को खासकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मुझे भी थी जब तक मैंने पुराणों का अध्ययन नहीं किया था। तो भगवान श्री कृष्ण की जो सहचरी है राधा, उनका रहस्य क्या है? राधा कौन है? राधा का प्रथम वर्णन कहाँ मिला? राधा को लेकर जो पूरा भक्ति साहित्य मध्यकाल में रचा गया, आखिर वो राधा कौन है? और राधा की चर्चा कहाँ आती है? सबसे पहले किन पुराणों में आती है? कहाँ से ये शुरू होता है? मैं भी कुछ समय पूर्व तक यही मानता था कि गीत गोविंद से राधा की चर्चा शुरू होती है, लेकिन जब पुराणों का अध्ययन करने लगा और राधा रानी के रहस्यों को उद्घाटित करती पुस्तकों और साहित्यों को पलटने लगा, तो मेरा भी ये भ्रम दूर हो गया कि राधा शाश्वत हैं, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है और पूरा ब्रजमंडल ही राधा है। और जिस ब्रजमंडल की चर्चा की गई है वो ब्रजमंडल भूमि का ब्रजमंडल नहीं है, इसलिए लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होती है और वो भक्त ही समझ सकता है। अध्यात्म का यदि ज्ञान हो तो ही समझ में आएगा, नहीं तो भौतिक धरातल पर आप समझेंगे रास लीला चीरहरण ये सब कभी समझ में नहीं आए, क्योंकि हमारी नग्न आंखों से परमात्मा नहीं दिखते। तो परमात्मा का रहस्य हमारी इस नग्न आंखों से और इस भौतिकवादी हृदय और मस्तिष्क से कैसे समझाएंगे? अगर मिट्टी का घड़ा कच्चा तो उसमें पानी कैसे समाएगा? उसके लिए मिट्टी के घड़े को तपाना पड़ता है, पकाना पड़ता है, तब जाकर वो पानी के भार को सह पाएगा। तो जब तक हृदय आध्यात्म से भरा हुआ ना हो, मन मस्तिष्क परमात्मा को स्वीकार ना कर चुका हो और परमात्मा के आगे समर्पण ना कर चुका हो, परमात्मा के प्रति मन मस्तिष्क और हृदय श्रद्धा से जब तक ना भरा हुआ हो, ये रासलीला ये चीरहरण प्रसंग कभी समझ में नहीं आएगा। और भौतिक धरातल भौतिक आंखों से देखने पर अब्राह्मिकों की तरह उसमें अश्लीलता ही नजर आएगी। और जिन लोगों ने पुराणों को का विरोध किया, अपने ही समाज के कई सारे समाजियों ने, उनको भी इसमें अश्लीलता ही नजर आएगी, क्योंकि अभी वो कच्चे घरे हैं और कच्चे घरे में जल नहीं ठहरता। तो मेरा कोई दावा नहीं है, मैं रिफरेंस के साथ आपको बताऊंगा और इस पर भविष्य में एक लंबी श्रृंखला आपको दूंगा। अभी मैं शॉर्ट में समझाऊंगा जितना मुझे समझ में आया और रेफरेंस देकर समझाऊंगा आपको, ताकि आप भी उसको समझें और जाने गुणे कि राधा रानी कौन है, राधा रानी की चर्चा कहाँ आई है और पूरा एक राधा संप्रदाय ही कैसे उसने रूप लिया है, यह हमें समझना बड़ा आवश्यक है। तो इस प्रोमो के बाद इस कथा को आरंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण और राधा का ये जो प्रेम है, वह जो शाश्वत वैदिक सनातन प्रेम है, वह क्यों हमारी समझ में नहीं आया? क्योंकि आज भी जो भौतिकवादी मनुष्य है, मैं कहीं बैठा हुआ था एक सभा में और ये जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं,
वो वहां बैठे थे उसमें से किसी ने कमेंट कर दिया, राधा जी श्री कृष्ण जी की गर्लफ्रेंड थी। अब यह जो मानसिक स्थिति है मानव की, और सुप्रीम कोर्ट के लिव इन रिलेशन पर भी कुछ लोग यही कमेंट कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये कमेंट जो है आपको कई अलग अलग मामलों में, गे राइट वाले मामले में, सबरी वाला मामले में, कुछ और हमारे धर्म पे कमेंट कर दिया। तो धर्म का ज्ञान नहीं होने के कारण यह जो उथला मस्तिष्क है, जो बिल्कुल उथला है, वह इन भौतिक नंगी आंखों से चीजों को देखना समझना चाहता है। तो इसको हम आरंभ करते हैं, और इस पर कभी मैं बहुत विशद वर्णन करूंगा और गहरे डूब कर। अभी मेरा खुद का ज्ञान आप छिछलाई कहिए, क्योंकि इतने सारे साहित्य हैं जिसमें मैं घुस रहा हूं, और घुसना मुझे बाकी है साहित्य में, अभी तो बस आरंभ हुआ है। तो लौटते हैं इस प्रोमो के बाद। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए, और आप कंटेंट का छोटा सा मूल्य उसे जरूर चुकाइए। मैं लौटता हूं प्रोमो के बाद। आप सबको पुनः जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु के लिए जो लेफ्ट ओरिएंटेड माइंड है, वो कहता है भगवान विष्णु तो वेद में है नहीं, लेकिन भगवान विष्णु वैदिक देवता है, और वही वैदिक देवता पुराण पुरुष कहे गए हैं। पुराणों के भी वे प्रमुख देवता हैं, और महाभारत में वो पूर्ण अवतार में खिलते हैं, प्रकट होते हैं। सारे अवतार जो हैं हमारे भगवान विष्णु के अवतार, एक तरह से वो अंशावतार होते हुए गए, आगे बढ़ते रहे, चले गए हैं, पर भगवान कृष्ण के रूप में वो जो कली है वो गुलाब बन जाती है, खिल जाती है, कमल पूरी तरह से खिल कर आ गया है, यानी परमात्म तत्व पूरी तरह से जो निखरा है वो भगवान श्री कृष्ण में निखरा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण पुरुष है, वही एकमात्र पुरुष है जो पूर्ण है, और इसलिए भगवान कृष्ण ही विष्णु है। विष्णु सहस्रनाम आप पढ़ते हैं तो आप अगर विष्णु शास्त्र नाम में पढ़ें, वेदा उनके जितने नाम हैं, कृष्ण और दृढ़ संकृष्ण अच्युता वासुदेव नाम उनमें आया है, विष्णु नाम आया है, कृष्ण नाम आया है, 1000 नामों में वासुदेवो बृहद भानुरादि देवो पुरंदरा, तो आप देखेंगे भगवान कृष्ण पूरी तरह से महाभारत काल में द्वापर युग में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जब परमात्मा का पूर्ण रूप हो तो मानव जो हम हैं, जो अंश भी नहीं है, बहुत बिंदु रूप में है, उस परमात्मा के लीला को कैसे समझेगा। हम तो पूर्ण सूर्य के प्रकाश को भी इस नंगी आंखों से सहन करने का सामर्थ्य नहीं रखते, तो उस अखंड सूर्य का प्रकाश हम कैसे अपनी आंखों में और अपने हृदय में समानेंगे, जब तक कि ग्रहणशीलता ना। और इस ग्रहणशीलता नहीं होने के कारण बहुत सारा दुविधा पैदा हुआ और बहुत सारा अधकचरा ज्ञान पैदा हुआ। भगवान श्री कृष्ण का महाभारत में पूर्ण रूप प्रकट नहीं हुआ था, उनका राजनीतिक रूप ज्यादा था, और वेदव्यास जी बैठे हैं, महाभारत युद्ध हो चुका है, वो निराश हैं, शिथिल हैं। तो नारद जी पूछते हैं कि क्या बात, इतने बड़े ग्रंथ लिख कर भी, तो उन्होंने कहा संतुष्टि नहीं हुई मुझे, आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, कुछ है जो लिखना बचा रह गया। और तब नारद जी श्री भागवत की रचना करने को कहते हैं, जिसमें भगवान का पूरा जो पूरा रूप है, जो भक्ति साहित्य का उद्गम है भागवत,
वहां भगवान का रूप प्रकट होता है। सारी लीलाएं उनकी भागवत में प्रकट होता है। लेकिन भागवत में भी राधा रानी का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं। भागवत में वर्णन है पर अप्रत्यक्ष रूप में है, और इस पर शंकराचार्य भी कह रहे थे, अभी मुक्तेश्वरानंद जी वो कथा आती है कि भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को कह रहे हैं कि राधा का रूप गोपनीय है। तो भागवत में एक श्लोक आया है, नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम विदुर काष्ठाय मुहु कुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। यानी राधसा यानी राधा के साथ रंस्यते क्रीड़ा करने वाले और शाश्वत भक्तों के पालक कुयोगियों के लिए दुर्योग दुर्गेय प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। आहा वो भगवान कैसे हैं, स्वधामनि वृंदावन में राधसा यानी राधा के साथ रंस्यते क्रीड़ा करने वाले। और राध धातु से राधा शब्द बना है और राधा शब्द भी राध धातु से ही बना है राधा। तो भागवत में वो एक सूत्र मिलता है राधसा निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। पूरी व्याख्या नहीं है भागवत में राधा का, बस एक सूत्र है। उसी सूत्र को बाद में यदि हम देखेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण, वैष्णवों का प्रमुख पुराण है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण, यहां राधा रानी पूरी तरह से प्रकट हो जाती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। और हमारे साहित्य का यानी हमारे धर्म शास्त्रों का एक क्रमबद्धता है, अब्राह्मिकों की तरह एक किताब आधारित नहीं, क्रमबद्धता है। वेद में जो समझ में नहीं आते वो पुराणों में समझना पड़ता है, और बिना पुराणों के वेद समझ नहीं आते। क्रमबद्धता है। महाभारत जब चलता है तो महाभारत में भी जो मार्कंडेय ऋषि हैं वो रामायण की कथा लाते हैं। तो हर धर्म शास्त्र में पूरी तरह से, जैसे आप लोग मुझे कई बार कहते हो ना, आप कई बार रिपीट करते हो संदीप जी, हमारे शास्त्र ने भी कई बार रिपीट ही किया है, कई बार क्या रिपीट ही किया है, क्योंकि जिस चीज को जहां से आप पकड़ो आपकी यात्रा वहीं से आरंभ हो जाए, यही सनातन शास्त्र का स्वरूप रहा है। सूत्र को पकड़कर सूत्र, एक जहां से आप पकड़ लोगे वहीं से आपकी यात्रा हो जाएगी, आपको पीछे लौटने की जरूरत नहीं है। और कई लोग कहते हैं वेद पढ़ लेंगे तब पुराण पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ये इसके प्रधान देवता श्री कृष्ण ही है, विष्णु श्री कृष्ण है। चार खंड इसमें, ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड, श्री कृष्ण जन्म खंड। और ब्रह्म खंड में बीज रूपी श्री कृष्ण तत्व परमात्मा का निरूपण है, प्रकृति खंड में आद्याशक्ति राधा का निरूपण है, और राधा श्री कृष्ण के अंश से, वाम अंश से प्रकट होती है। वाम यानी स्त्री, वाम ही होती है हमारे शिव जी के साथ गौरी, माँ गौरी वाम, भगवान राम के साथ सीता जी वाम, भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी वाम। तो एक ही परमात्मा के स्वरूप है, इसलिए प्रकृति खंड में। और ब्रह्म खंड जो है वो ब्रह्म है कृष्ण, आपको कालका पुराण में भी बताया था हमने, ब्रह्म और वह उसकी शक्ति यानी उसकी प्रकृति, सांख्य जिसको प्रकृति और पुरुष कह रहा है, तो प्रकृति है राधा। और वह उन्हीं के वाम अंग से प्रकट हुई है, इसलिए सारे ब्रजमंडल की जो क्रीड़ा है, जो रासलीला है, जो चिरहरण है, वो बड़ ब्रह्म का ही लीला है, पर बड़ ब्रह्म का स्वयं के साथ ही लीला है।
और ये जो है इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण और उसकी अभिन्न स्वरूपा यानी जो कृष्ण के ही अंग से उत्पन्न हुई हो वामांगी जो उनसे भिन्न नहीं है, अभिन्न स्वरूपा प्रकृति स्वरी राधा के, राधा सर्व प्रधान हो जाती है और फिर गोलोक लीला और अवतार लीला का वर्णन है। तो यह ब्रह्म वैवर्त पुराण में पूरा पूरी रूप से प्रकट हुई है, जो भागवत पुराण में राधसा रूप से थी वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में पूरे रूप से प्रकट हुई है। फिर पद्म पुराण में भी जो है आपको राधा का वर्णन मिलता है। और जब हम और पीछे जाते हैं तो वैदिक साहित्य में भी राधा की व्युत्पत्ति राध धातु से जो हुई है, कृष्णेन आराध्यते इति राधा, कृष्णम समराध्यति सदा इति राधिका, गांधर्व वीति व्यपदिश्यते, कृष्ण के द्वारा जो आराधित है वही राधा है तथा कृष्ण को जो सदा आराधना करने वाली है, कृष्ण के द्वारा जो आराधित है वही राधा है और जो कृष्ण की सदा आराधना करने वाली वही राधा है। आराधना राधा, राधा धारा भक्ति की धारा, उसी से पूरा भक्ति साहित्य आप्लावित हुआ आगे जाकर। और राधा के नाम पर एक उपनिषद भी है, राधोपनिषद, 108 जो उपनिषद है हमारे उसमें से एक उपनिषद का नाम है राधोपनिषद और दूसरा है राधिका तापनियोपनिषद। राधोपनिषद गद्य में है, राधा की महिमा का वर्णन है और इसमें राधा श्री कृष्ण की शक्ति बताई गई है, आह्लादनी शक्ति बताई गई है इसमें। तो और उपनिषद ज्ञान खंड है वेद के, वेदांत है उपनिषद, वेदांत है। तो यह राधा वेद से यानी परम परमात्मा सृष्टि काल से जो चलते चले आ रहे हैं और राधा भी सृष्टि काल से आदि शक्ति के रूप में चलती आ रही है। ये आदि शक्ति भगवान शंकर के साथ गौरी बन जाती हैं, राम के साथ सीता बन जाती हैं, विष्णु के साथ लक्ष्मी बन जाती है, गौरी ही काली है। तो आदि शक्ति जो है, प्रकृति जो है, वही उस ब्रह्मांडीय मंडल ब्रजमंडल में उस परम परमात्मा का रास है। इसमें और भी कई चीजें हैं, मैं धीरे धीरे आपको कभी बताऊंगा कि जैसे ब्रह्म वैवर्त ने कहा कि आप श्री कृष्ण की प्राण स्वरूप हैं, कई गोपियां थी। तो जब परमात्मा आते हैं पृथ्वी पर, श्री कृष्ण जैसे पूर्ण परमात्मा है, तो उनके साथ तो देवता ऋषि गण सब आते हैं अलग मानव रूप लेकर, कि परमात्मा तो अपने परमात्मा के दर्शन के लिए, उनकी उपासना के लिए और उनके साथ उस युद्ध में, उस युग में सहभागी बनने के लिए सारे देव आत्मा उतरते हैं। तो पंडित गोपीनाथ कविराज ने एक बड़ी सुंदर व्याख्या की है, वो बड़े तांत्रिक रहे पंडित गोपीनाथ कविराज, कि जब राम जी दंडकारण्य वन में थे तो अष्ट सिद्धियों से संपन्न मुनियों ने राम के रूप को देखकर, और परमात्मा ये जो रूप की चर्चा है वो चर्चा इसलिए है कि अगर आत्मा विशुद्ध और पूर्ण रूप से परमात्मा प्रकट हो तो वो कितना सुंदर होगा, इसलिए सुंदरता, और सुंदरता के लिए जो अलंकारिक भाषा है उस पर मोहित हो जाना, मोहित मतलब पूरी प्रकृति उनके वशीभूत हो जाना और हर कोई उस पे उन पे मोहित हो जाएगा, पुरुष स्त्री
नाग पक्षी जंतु सब। तो जब राम दंडकारण्य वन में हैं तो उनको उनके रूप लावण्य को देखकर ऋषियों ने उनको पति रूप में पाने की, और पति पत्नी मतलब पुरुष प्रकृति, न पुरुष पूर्ण है प्रकृति के बिना, न प्रकृति पूर्ण है पुरुष के बिना। रिश्ते सारे हैं पर पूर्णत्व तो एक पुरुष को पूर्णत्व तो एक स्त्री देती है, एक स्त्री को पूर्णत्व तो एक पुरुष देता है। आत्मा निर्गुण है, न वो पुरुष है न स्त्री है। उसकी जैसी यात्रा है कर्म की, उस अनुरूप वो शरीर धारण करता है। तो आत्मा न पुंसक लिंग है, आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। आज इस शरीर में आत्मा है तो पुरुष है, कल उस किसी और शरीर में जाएगा, स्त्री हो सकता है, जंतु हो सकता है, कुछ भी। तो वो आत्मा का स्वभाव है सम्मोहन परमात्मा को देखकर। और पूर्ण पुरुष एक ही है, पुरुषोत्तम विष्णु, पूर्ण पुरुष सुंदर। उस पूर्ण पुरुष को वशीभूत या उसमें आबद्ध हो जाना या उसकी आराधना में लीन हो जाना वो तभी हो सकता है जब प्रकृति रूप में हुआ जाए, पुरुष रूप में। ये अब्राहमिक थॉट है, यूनानी थॉट है, जहां से गेवाद भारत में घुसा, हमारे यहां नहीं है शायद। तो हमारे यहां पूर्ण पुरुष को पाने की कल्पना एक स्त्री रूप में ही हो सकती है, और पूर्ण स्त्री को पाने की कल्पना कोई पुरुष ही कर सकता है। पूर्ण स्त्री राधा को पूर्ण पुरुष कृष्ण ही मिल सकते हैं, और पूर्ण पुरुष कृष्ण को पूर्ण स्त्री राधा ही मिल सकती है, अपूर्णता वहां रह नहीं सकता। तो उन ऋषियों ने राम को पाने के लिए, राम भगवान है ये गुरु रूप में है, मान लो ऋषि मुनि सब में, फिर भी द्वैत का भाव बना रहेगा, परंतु पत्नी हो जाना, उनकी सहचरी हो जाने में एकत्व तो आ जाता है, यानी आत्मा एक हो जाता। इसलिए पति पत्नी का अगर आध्यात्मिक संबंध है, दोनों का औरा क्षेत्र अगर यदि एक बन गया है, तो एक समय बाद देखेंगे दोनों के चेहरे भी मिलने लगते हैं। और दोनों की जन्म जो 7 जन्म कहा, वो इसका मतलब है इसका कि वो आत्मा जितना एकत्र होगा उतना उनकी रिपीट की प्रक्रिया, यानी उनके उस प्रेम के बीच में कोई गैप, कोई और जन्म, कोई और नहीं आ सकता। लेकिन चूंकि आज के युग में तो एक यहीं पर सर फोड़ रहे हैं, तो 7 जन्म तो किधर होना। तो वह चक चक्र है, साइकिल है, ये तंत्र का साइकिल है कि पूर्ण रूप से एक दूसरे से आबद्ध होकर मिलकर सृष्टि में विलीन, यानी परम मोक्ष, परम विष्णु लोक में पहुंच जाना दोनों। ये 7 जन्मों की प्रक्रिया है, एक जन्म में पूरी नहीं हो सकती पूर्णत्व। तो, पर परमात्मा तो कहीं भी पूर्ण हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो उस पूर्णत्व को ग्रहण करने के लिए, उस पूर्ण परमात्मा को ग्रहण करने के लिए स्त्री रूप में अपने आप को उन मुनियों ने कल्पना की, और उन मुनियों की वो कल्पना साकार हुई कृष्ण अवतार के समय, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो पूर्ण अवतार यानी बियॉन्ड द ब्रह्मांड, बियॉन्ड द लॉ, बियॉन्ड द मर्यादा, एवरीथिंग बियॉन्ड, वही पूर्ण परमात्मा। और वो सिर्फ सिर्फ कृष्ण है, और हर द्वापर में वो इसी रूप में आते हैं। तो उस पूर्ण परमात्मा के साथ रास के लिए उन मुनियों ने जो त्रेता में सोचा, वो द्वापर में फलीभूत हुआ, और जो कृष्ण के साथ रास रसाने वाली गोपियां हैं, उसमें से आप देखिए उग्र तपा, सत्य तपा, हरिधामा, जावाली, महर्षि कुशध्वज के शुचिश्रवा तथा सुवर्ण नामक पुत्र द्वय, जटिल आदि मुनि तुष्ट, दीर्घ तपा मुनि के पुत्र शुक, श्वेत केतु के पुत्र, राजपुत्र चित्रबीज आदि महर्षि, देवर्षि, राजऋषि और अन्य मुनियों ने तपस्या, ध्यान, तप आदि के द्वारा सिद्धि प्राप्त की, और भगवान के आविर्भाव के समय
गुरुकुल में अपनी इच्छा के अनुसार गोपी रूप का धारण किया। ये आपको आज मैंने लिखा भी ये पोस्ट, ये कृष्ण कथा जो है कृष्ण के समग्र स्वरूप को समेटे। और तथ्यात्मक रूप से चलिएगा, आध्यात्मिक मन नहीं होगा आपका तो कई बार विचलित हो जाएंगे। और तथ्यात्मक रूप से ये प्रकट किया गया, आध्यात्मिक रूप से आपको ग्रहण करना है। जैसे इन ऋषियों ने तपस्या करके गोपी रूप प्राप्त किया, जब तक आपको अध्यात्म नहीं अध्यात्म की आपकी यात्रा नहीं, पुनर्जन्म की यात्रा नहीं है, कर्म के सिद्धांत को आप नहीं समझते तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। और फिर आप अब्राह्मिकों की तरह हंसेंगे, अब्राह्मिकों के रास्ते पे चलने वाले भारत के कई हिंदू संगठनों की तरह हंसेंगे जिनके अंदर धर्म लोप हो चुका है। तो इन ऋषियों ने गोपी रूप धारण किया और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हुए ब्रजमंडल में रास रचाया। वो ब्रजमंडल यहां नहीं है, ब्रह्मांड लोक में, और वहां प्रतिदिन रास चल रहा है। यही नहीं कि द्वापर खत्म हो गया तो रास बंद हो गया, उस ब्रह्मांड लोक में प्रतिदिन रास चल रहा है। रोज आप देख ही रहे हो, ग्रहों के रास देख रहे हो, सूर्य के रास देख रहे हो, चंद्र के रास देख रहे हो, पृथ्वी की गति देख रहे हो, रात दिन देख रहे हो, ऋतु बदलते देख रहे हो, ये सब उस परब्रह्म श्री कृष्ण का रास है। तो राधा जी की चर्चा हमारे यहां भागवतम में, महा जो भागवत पुराण में एक राधसा एक शब्द आया, पूर्ण विकास नहीं है उसका। और भगवान शंकर मां गौरी को कह रहे हैं कि राधा गोपनीय है, ये विद्या बाद में प्रकट, क्योंकि ये मनुष्य आज भी नहीं समझ पाएगा। वो रास को, वो चीरहरण को, वो पूर्ण परमात्मा के ही वामांगी के रूप को कैसे स्वीकार कर पाएगा जब उसका अपने ही प्रेम पति पत्नी में नहीं है, जब अपने अंदर ही उसके प्रेम नहीं है, तो उस परम परमात्मा की प्रकृति के साथ प्रेम को कैसे समझ पाएगा। इसलिए कुछ चीजों को धर्म ने गोपनीय रख दिया, ये उसके समक्ष ही प्रकट होगा जो धर्म को जानता है, जो धर्म को धारण करता है, जो धर्म को जीता है। और इसके अलावा आपको राधा का और विकसित रूप गर्ग संहिता में प्रकट हो, यानी भागवत का जो भाष्य एक तरह से वो गर्ग संहिता के रूप में, भगवान श्री कृष्ण की जो पूरी लीला है वो गर्ग संहिता के रूप में महर्षि गर्ग ने, और महर्षि गर्ग वो हैं जिनके द्वारा एक सूक्त ऋग्वेद में भी है, जिन्होंने एक सूक्त का दर्शन किया ऋग्वेद में ही, गर्गाधिव्यो यज, और अष्टाध्यायी में भी पाणिनि ने उनकी चर्चा की है और ऋग्वेद में भी उनका एक सूक्त है। बड़े ऋषियों में हमारे उनकी गणना थी और परम शिव भक्त थे वो, जहां उन्होंने इस गर्ग संहिता का निर्माण किया, लेखन किया, प्रणयन किया, वो हिमाचल के गर्गाचल शिखर पर, आज भी हिमाचल में है माना जाता है, वहीं उन्होंने किया था। और महाराज पृथु और यदुवंशियों के ये गुरु रहे। ज्योतिष पर इनका महान शास्त्र गर्ग मनोरमा और बृहद गर्ग संहिता। तो गर्ग संहिता जो है वो भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला से परिपूर्ण है। ये सब आपको गीता प्रेस में मिल जाएगी, कपोत पे मिल जाएगी। और इसको कहा गया कि गर्ग संहिता में वही है जो भागवत में सूत्र रूप में है, यानी श्री भागवत के कृष्ण लीला का जो महाभाष्य है वो गर्ग संहिता है, महाभाष्य। भगवान वेद व्यास जी भागवत में श्री कृष्ण के लिए लिखते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये राम के लिए नहीं लिखा गया, क्योंकि त्रेता के बाद द्वापर में राम यानी विष्णु प्रकट पूर्ण रूप से होने वाले। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वह स्वयं भगवान है,
कृष्ण स्वयं भगवान है। भागवत में कहा वेदव्यास जी ने, गर्ग महामुनि गर्ग ने इसकी जो भाष्य किया व्याख्या किया, यस्मिन सर्वाणि तेजांसी विलयन्ते स्वतेजसी तम वदन्ति परे साक्षात परिपूर्णतम स्वयं। यानी उन्होंने और इसका विस्तार किया कि समस्त भागवत तेजों के प्रवेश का वर्णन करते हुए कि वही परिपूर्ण परमात्मा है। और जो श्री कृष्ण की मधुर लीला रास में है उस रस का, और इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि हमारे शास्त्र में जो एक सूत्र है उस सूत्र से दूसरे शास्त्र की दूसरे ऋषियों की या उसी ऋषि द्वारा वेदव्यास जी ने एक सूत्र इस भागवत में छोड़ा तो कहीं और ब्रह्म व्यवहार में पूरा किया, इस तरह से ताकि आपकी कंटिन्यू जर्नी, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। महाभारत में उन्होंने कहा सब कुछ है, परंतु कृष्ण की संपूर्ण लीला का वर्णन नहीं, वहां उन्होंने सूत्र छोड़े, वो सूत्र फिर भागवत में जाके पूरा हुआ। वेद एक ही थे, फिर उनके चार भाग किए गए अलग अलग, वेद का ही सूत्र लेके उसका जो ज्ञान कांड वेदांत, वेद का आखिरी हिस्सा वो उपनिषदों की रचना हुई, और वेद का जो कर्म कांड है अनुष्ठान कांड है वो ब्राह्मण साहित्य की रचना हुई। तो सूत्र हमारा वेद ही है, और वहीं से धीरे 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 एक सूत्र से, तो या ब्राह्मिक नहीं कि एक साहित्य पे चले। तो महाभाग भागवत के का पूर्ण भाष्य जो है वो गर्ग संहिता के रूप में सामने आता है, और उसमें जो है आपको उन्होंने बड़ा ही सुंदर जो है रस का जो वर्णन है भागवत में, उस रास का जो भगवान का रास है केवल एक बार 5 अध्याय में है, किंतु गर्ग संहिता में वृंदावन खंड में अश्वमेध खंड में प्रभास मिलन के समय और उसी अश्वमेध खंड के दिग्विजय के अनंतर लौटते समय 3 बार कई अध्यायों में इसका वर्णन किया गया है। ये आपको गीता प्रेस से मिल जाएगी, गर्ग संहिता कपोत पर है। तो गर्ग संहिता में आपको राधा जी का विस्तृत रूप मिलेगा। तो हमारे शास्त्र में राधा जी हैं, सोशल मीडिया में कई बार, क्योंकि हमारे साथ एक दिक्कत हो गई है कि हम मार्केटिंग अब्राहमिक थॉट का इतना ज्यादा हो गया, 1400-1500 साल पुराने मजहब रिलीजन है, कि इसको काटने में भी, इसको काटने में हमारा मन भी अब्राहमिक थॉट से सोचता है। मैं देख रहा था एक बड़े विद्वान है हिंदू धर्म के, वो भी पिछली बार राधा जी को नकार रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। मुझे नॉलेज नहीं था उस समय तक, मैं नहीं पढ़ा, तो मैंने हालांकि मुझे मैंने ट्वीट उनके रिट्वीट नहीं किए, लेकिन और उसके बाद अब्राह्मिक थॉट से काटने के लिए, कि अब्राह्मिक थॉट में वहां परमात्मा है नहीं, वहां परमात्मा का कोई मैसेंजर है, मैसेंजर भी है जिनको कहीं कान से कुछ कहा जा रहा है, तो मैसेंजर वाले व्यक्ति वाले और परम तत्व में दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। अगर एस्ट्रोनॉमी मुझे नहीं समझ में आती, चांद पे जो चंद्रयान गया और मैं आर्ट्स का विद्यार्थी हूं, तो मेरे लिए तो जमीन आसमान का अंतर हो गया ना भाई, समझ की। मैं अपने इतिहास ज्ञान से, समाजशास्त्र के ज्ञान से एस्ट्रोनॉमी तो नहीं समझ पाऊंगा ना। तो ऐसे समझिए कि सनातन धर्म एस्ट्रोनॉमी हो गई और वो लोग अभी प्रथम कक्षा में बैठे हैं। अब प्रथम कक्षा वाला तो सोड़ी मचाएगा, शोर ही मचाएगा, हंगामा ही करेगा, झगड़ा ही करेगा, और हम प्रथम कक्षा वाले को काटने के लिए उसी लेवल पे खड़े होकर शोर मचाने लगते हैं, तो हमारी पूरी पीएचडी का ज्ञान खत्म हो जाता है। तो हमारे जो लोगों ने कई तरह के संगठन समाज आदि का निर्माण करके पुराणों का काटने को काटने का काम अंग्रेजों और अब्राह्मिकों के तर्ज पे किया, उन्होंने और गुड़ गोबर किया और सत्यानाश किया। इसलिए आप देखेंगे जब मैं पुराण पे बोलता हूं तो कमेंट जाकर पढ़िएगा, कुछ लोग आ जाते हैं वो बिलबिलाने, उनका नाम भी नहीं हम लेते, क्योंकि उनके मूल जो स्वरूप है, जो अब्राह्मिक थॉट पे आया हुआ, उसको आघात लगता है इससे। तो
हमारा साहित्य बहुत समृद्ध है और हमारे साहित्य में राधा जी हैं। भागवत का सूत्र जो है वो गर्ग संहिता में एक पूरा स्वरूप पाता है और भागवत का सूत्र ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वरूप पाता है और भागवत का सूत्र पद्म पुराण में सूत्र विस्तार पाता है। तो राधा जी हैं। अब मैं कल तो जन्माष्टमी पर कुछ और जो है या इसके ही आगे स्वरूप पर देखता हूं कैसे कर पाऊंगा मैं, लेकिन ये जो मेरे अंदर भी बहुत दिनों से मंथन था, उठा पटक थी, वो मेरे अध्ययन से, इसलिए अध्ययनशीलता बहुत जरूरी है। मार्कंड ऋषि ने अध्ययनशीलता से चिरंजीवी होने का वर पा लिया। सिर्फ वही नहीं, कई गुण थे उनमें, लेकिन अध्ययनशीलता भी प्रमुख था। तो जब तक हम अपने शास्त्रों में डूबेंगे नहीं, किसी और के भाष्य आदि को पढ़ेंगे, किसी और की टिप्पणी पढ़ेंगे, अंग्रेजों के पढ़ें या अपने वालों के पढ़ें, हम भ्रमित ही होते रहेंगे और हम अपनी परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे। उस पूर्ण अवतार परमात्मा को, पर ब्रह्म को समझने के लिए श्रद्धा से भरा हुआ, समर्पण से भरा हुआ हृदय और मस्तिष्क चाहिए। मस्तिष्क में परमात्मा नहीं उतरते, वो हृदय के धरातल पर ही उतरते। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल रात्रि फिर मैं 9 बजे आपके बीच भगवान श्री कृष्ण के एक और स्वरूप को लेकर आऊंगा। अब वो राधा जी का स्वरूप होगा या कौन सा होगा मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी पे JWSD पर और शायद कभी कभी इंडिया स्पीक्स पर भी ये लगातार ये यात्रा चलती है, क्योंकि भगवान कृष्ण मुझे बहुत प्यारे हैं। तो और सब पे चलती है, शिव पुराण कभी शिवरात्रि पे भी चलती, जैसे जैसे अवसर मिलता है। तो भगवान कृष्ण इतने कलाओं से परिपूर्ण है कि उनके एक अंश को भी इस जन्म में हम समझ लिए तो जीवन धन्य हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो आज के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब खूब भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को मनाइए, प्रसन्न रहिए। हमारा पूरा हिंदू धर्म सनातन धर्म त्योहारों का धर्म है, उत्सव धर्मिता है। यहाँ यहाँ पूर्ण परमात्मा नाचते गाते युद्ध करते हैं, किसी की तरह नहीं है कि वहां फोटो भी नहीं है किसी का। इसलिए इस उत्सव धर्मिता धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को एक उत्सव की तरह मनाइए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।